कहते हैं कि युद्ध में कोई जीतता या हारता नहीं है, क्योंकि जाने जब जाती है तो वो निर्दोष लोगों की जाती है जिन लोगों को युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। तो वर्ल्ड अफेयर्स की न्यूज़ आ रही है, इंडियन स्टूडेंट्स किल्ड बाय रशियन अटैक, क्या रूस के साथ संबंधों पे पड़ेगा असर? तो आज हम मिक्स मैशअप रिएक्शन देखने वाले हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो पे, तो देखते हैं फिर मिक्स मैशअप रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और का जो बहुत ज्यादा अगली चेहरा है ये फाइनली हमको दिख रहा है, बहुत ज्यादा सैड न्यूज आई है। तो पंजाब हमें में पहले से पता एक था ही इंडियन होता। स्टूडेंट की यहाँ पर मौत हुई है, नवीन नाम के एक इंडियन स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे खरकीव में। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि रशियन अटैक की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। नाउ यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, आपको बहुत से आर्टिकल में ये वर्ड दिखेगा शेलिंग, कि रशिया की तरफ से बम बरसाए जा रहे थे और उसी बीच कई यूक्रेन के सिविलियन मारे गए और इंडिया के एक स्टूडेंट भी यहां पर मारे गए। मगर जब इनके मित्र से पूछा गया, जो इनके यहां पर क्लासमेट थे, जो इनके साथ पढ़ रहे थे यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में, इनसे पूछा गया कि इनके दोस्त के साथ क्या हुआ था, तो इन्होंने ये कहा है कि नवीन को गोली मारी गई थी। ये स्टेटमेंट है श्रीधरन की, जो नवीन के देखा, हॉस्टल का दोस्त था। इन्होंने ये कहा कि नवीन को गोली मारी गई 10:30 बजे सुबह, और उस टाइम नवीन बेसिकली एक लाइन में खड़ा था, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था, बेसिकली कुछ खाने का सामान परचेज करा था किसी दुकान से। अचानक से रशियन आर्मी ने सिविलियंस पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी देखा, और उसी में मैं नवीन बोल की रही डेथ थी हो गरुण गई। नहीं। अब देखिए जो एग्जैक्ट रीजन है यहाँ पर डेथ का, ये तो किसी को पता नहीं है, मगर ये आज के समय सबको पता है कि रशिया का जो अग्रेशन है इसकी वजह से कई सिविलियंस यूक्रेन में मारे जाएंगे, पहले और बोला इंडिया था के लिए मैंने, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी भी हमारे कई हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं, और इनमें से कई स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे खार्किव में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूक्रेन का नक्शा है, ये आप जो एरो देख रहे हो इस ये वो डायरेक्शन में ईस्टर्न रशियन एरिया है आर्मी ना। आज के समय आगे बढ़ रही है इन यूक्रेन। मैंने आपको बता दिया था कि रशिया का जो मेन फोकस रहने वाला है वो ईस्टर्न यूरोप में रहने वाला है, ये वेस्टर्न यूरोप के करीब नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेटो फोर्सेस खड़ी है। अगर यहाँ पे मान लो कि कोई मिसाइल चल गया नेटो के अगेंस्ट, तो एक फुल फ्लेजेड वो तो वर्ल्ड वॉर है, स्टार्ट हो सकती है। तो रशिया अभी के लिए क्राइमिया से आगे बढ़ रहा है, ऊपर बेलारूस से अटैक कर रहा है, कीव की तरफ बढ़ रहे हैं ये लोग, उसके अलावा खार्किव पे भी ये बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर रशियन फोर्सेस के लिए फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि खार्किव अभी तक इनके हाथ में नहीं आया। इन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत बॉम्बिंग करी यहाँ पर, मगर अभी भी कैसे ना कैसे करके यूक्रेन के लोगों ने, इनकी आर्मी ने, ये जो बहुत ही बड़ा शहर है इनका, पकड़ के रखा है। और खार्किव के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो रशिया के बॉर्डर के काफी करीब है, कोई छोटा सा शहर होगा, नहीं, ये यूक्रेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कितनी है, बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर सुंदर शहर है देंगे अपने आप इसने, में। यहाँ पे इतने बहुत ही अच्छे फेमस एक शहर में। मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में काफी इंडियन जाते हैं पढ़ने के लिए, ये लोग जो नीट यूजी के स्कोर्स हैं ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा खार्किव एक बहुत ही बड़ा कल्चरल, साइंटिफिक, एजुकेशनल सब सेंटर भी माना डिस्ट्रॉय हो जाता है जाएगा। यूक्रेन का। इंटरेस्टिंग बात देखिए, खार्किव की ज्यादातर जो आबादी है ये रशियन स्पीकिंग है, यूक्रेनियन स्पीकिंग यहाँ पे आपको लोग कम मिलेंगे, फिर भी मगर वहां पे तब लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं। ये लोग रशियन आर्मी का विरोध कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि ऑल टुगेदर देखा, रशिया कब्जा ले इनके सुंदर शहर को। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, खार्किव ने पिछले 70 साल से, आज के समय 70 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, कोई भी जंग नहीं देखी थी। आखिरी बार खार्किव की बॉम्बिंग हुई थी जब हिटलर ने यूएसएसआर पे अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में। आपको पता होगा हिटलर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने थर्ड राइक पे जरा फोकस कर दिया, यूएसएसआर पे अटैक किया, अटैक फेल हो गया, और उसके बाद नाजी जर्मनी की भी हार हुई वर्ल्ड वॉर टू में। तो तब से लेकर अब तक पहली बार ये शहर इस लेवल का वॉयलेंस देख रहा है। और मैं इस लेवल का वॉयलेंस यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया ने अब ओपनली बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है मैं खरकीव तो की। पहले ही कहा था जो वो यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पर सिविलियंस के रहने की जगह है, ओपनली वहां पर रशिया बॉम्बिंग कर रहा है। इनिशियली रशिया कोशिश कर रहा था कि सिर्फ यहाँ पर जो मिलिट्री टारगेट्स हैं इनको अटैक करे, मगर अब रशिया ने अंधी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है खरकीव की। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है खरकीव को, यहाँ पर आप देख स्लो। पाएंगे। ये है खरकीव की सरकार के हेडक्वार्टर्स, और कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अभी ये इस तरीके से पूरे शहर में बॉम्बिंग हो रही है, और अब मजबूरी में क्या हो रहा है कि इंडियन स्टूडेंट छुपे हुए हैं बंकर्स में। इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स कोई जो यहाँ पे मिलिट्री बंकर्स हैं वहां पे छुपे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की। ऑब्वियसली इनके पास खाने को बहुत कम है, बीच में कुछ स्टूडेंट्स हिम्मत करते हैं ऊपर आने की, कुछ एक तभी तो शॉप से कुछ ग्रोसरी परचेज लेने करने के की, लिए मगर आए। वहां पे जान का खतरा लगा रहता है। और नवीन के साथ भी आप अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है, बेसिक खाने पीने की चीज वो परचेज करने की कोशिश कर रहे थे तभी उनपे अटैक कर दिया गया।
और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि रशियन आर्मी ने स्पेसिफिकली इनको ही टारगेट किया है, नहीं उन्होंने अब थोड़ी फायरिंग कर रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट भी मारे गए हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन ये कह रहे हैं, विद प्रोफाउंड सोरो वी कन्फर्म दैट एन इंडियन स्टूडेंट लॉस्ट हिज लाइफ इन शेलिंग इन खरकेव दिस मॉर्निंग, द मिनिस्ट्री इज इन टच विद हिज फैमिली। आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है ऑफ इंडिया ये आज के समय बात कर रहे हैं रशियन एम्बेसडर टू इंडिया और यूक्रेनियन एम्बेसडर से भी, और कोशिश यहाँ पर यह की जा रही है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर सीज फायर हो जाए, फायरिंग बंद हो जाए ताकि एक सेफ पैसेज निकल पाए और इंडियन स्टूडेंट्स निकल पाए इस रीजन से। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि खरकेव पे इतनी ज़रा वार्मिंग हो रही है कि स्टूडेंट्स का अपने बंकर से बाहर आना एक बहुत ही बड़ा टेंशन होगा। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि करीब 300-400 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स खरकेव में फंसे हैं। वैसे आप अगर देखो तो ऑपरेशन गंगा के अंडर हम लोग 1400 से ऊपर इंडियंस को वापस ला चुके हैं यूक्रेन से, जब यूक्रेन की वॉर इनिशियली स्टार्ट हुई थी तब यूक्रेन में थे करीब 16 से लेकर 17 हजार इंडियन स्टूडेंट्स, इसमें से 7-8 हजार तो इनिशियली भाग गए जब न्यूज सामने आई कि रशियन टैंक्स पड़ रहे हैं अब यूक्रेन की तरफ। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रुक गए थे अब उनको लाने की कोशिश की जा रही है, इनमें से कुछ पोर्शन है खरकेव में। और इंडिया के ऑपरेशन गंगा की प्रॉब्लम इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है, क्योंकि देखिए खरकेव के अलावा आप अगर देखो तो कीव पर भी अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया की जो एम्बेसी है इन यूक्रेन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है एडवाइजरी है टू इंडियंस इन कीव, जल्दी से जल्दी कीव किसी भी तरीके से छोड़ के चले जाइए, चाहे ट्रेन मिले कोई और रास्ता मिले, कीव से जितना हो सके चले जाइए, क्योंकि अब बहुत ही बड़े स्केल पर बैटल होने वाली है कीव पे और डेफिनेटली बॉम्बिंग होगी, यहाँ पर सिविलियंस मारे जाएंगे। एस इंडियंस हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर यही होगी कि इंडियन जाने यहाँ पर बच जाएं, एस इंडियंस हमारी कोशिश यहाँ पर यही होगी, प्रायोरिटी सबसे ऊपर यही होगी कि इंडियन नेशनल्स की जान यहाँ पर बच जाए। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अंडर अब इंडियन एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है। मेरे हिसाब से पहले करते थे सही रहता, मगर अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा को ज्वाइन कर लिया है, C-17 ग्लोब मास्टर को यूज करेगा इंडिया इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रॉम यूक्रेन। क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर अब यही है कि क्या इंडिया बड़ा रिस्क लेगा, बड़ा रिस्क यहाँ पर यही है कि सीधा यूक्रेन में लैंडिंग करो, वहां से अपने स्टूडेंट्स को वापस लेकर आओ इंडिया में। इसमें खतरा यही बना रहेगा कि कोई मिसाइल कहीं का, कोई S-300 का मिसाइल, S-400 का जो मिसाइल है ये ऐसे ही अगर मान लो उड़ गया और इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया तब हम क्या करेंगे, तो रिस्क बहुत बड़ा है। देखना यहाँ पर ये होगा कि ये जो प्लेन्स है लैंड कहाँ पर करेंगे, क्या ये पोलैंड में लैंड करेंगे, यूक्रेन में लैंड करेंगे, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट इन पीस नवीन भाई, दूसरी बात जान किसी की भी जानी चाहिए, किसी भी निर्दोष की नहीं जानी चाहिए जान, इवन जो युद्ध में शामिल है या नहीं है तो किसी की नहीं जानी चाहिए, चाहे यूक्रेन का हो चाहे रशिया का हो, और यहाँ तो निर्दोष की जान चली गई है। और यही होता है कि युद्ध में जो बेचारा है भी नहीं युद्ध में उसकी भी जान चली गई जाए। तो ये थी आज की मिक्स मैसेज रिएक्शन, आपको मिक्स एक्शन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।